आ जाओ अंदर आओ। अरे आप ये किसको लेके आई हैं आप? ये मेरा दोस्त है। कौन सा दोस्त? मुझे भी कुछ पता चले। ये आपका जीजू है, अब तो पता चल गया ये कौन है। अरे कम से कम इसकी एज देख लें, अपनी देख लें, क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया हमारी एज को, क्या हुआ? मुझे पता है ये मेरे से छोटा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं इससे बात नहीं कर सकती या इससे मिल नहीं सकती। अली तुम बताओ उसको, तुम्हें कोई इतराज़ है? नहीं, मुझे क्या एतराज़ होगा, और वैसे भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए तो तुम्हारे साथ आया हूँ। हाँ अब सुन लिया तुमने, अब साइड पे हो, हमें आगे जाने दो, आओ। बैठो। अच्छा वैसे एक बात तो बताओ मुझे। बोलो। ये तुम्हारी सगी बहन ही है ना? सखी है वो, ऐसी ही है। लेकिन वो जिस तरह से बिहेव कर रही थी, लग तो नहीं रहा था कि सगी है। और वैसे भी इसको क्या एतराज हो सकता है? नहीं, वो उसका वो जो है ना, शुरू से ही मेरे से जलती है, और इस वजह से वो आपको ऐसी बातें सुना रही थी, और आप परेशान हो हैं। खैर जी। अच्छा देखो मैं ना काफ़ी थक गया हूँ, और मुझे ना तुम बेडरूम को दिखा दो जहाँ पे मैं थोड़ी सी रेस्ट करूँ। हाँ जी चलो आओ दिखा। हाँ ये बेड है, आप इधर लेटो और मैं थोड़ा सा ना फ्रेश होके आती हूँ। जी ठीक ठीक है। अरे मैंने इधर पैसे रखे थे, वो कहाँ चले गए हैं? अरे क्या हुआ, और आप यहाँ पे खड़ी हैं? मेरे पैसे इधर पड़े हुए थे, आप तो नहीं, आपने तो नहीं उठाए? पैसे? अरे मैं क्यों आपके पैसे उठाऊं? अरे मैंने इधर ही रखे थे, आपने ही उठा लिए मुझे तो लगता है। मैंने वही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं क्यों उठाऊंगा आपके पैसे, और वैसे भी मैं तो यहाँ पे सोया हुआ था। अरे मैंने इधर ही रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो आप देखिए क्या हुआ है। अरे ये देखो ना, एक तो मैं सोया हुआ था तो इधर आ गई, और ऊपर से मुझे कह रही है तुमने मेरे पैसे उठाए यहाँ से। क्या कह रही हो तुम? अरे ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरे पैसे उठाए हैं यहाँ से, मैंने इधर ही रखे थे। उसके पास पहले से ही पैसे हैं, उसने एक तुम्हारे पैसे क्यों उठाने थे? तुम्हें कुछ शर्म होनी चाहिए, वो तुम्हारे जीजू और तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। अकल किया करो तुम, पैसे उठाए हैं, माफ़ी मांगो उनसे। मैम तुम सच सच बताओ, ऐसा तुमने इल्ज़ाम उन पर क्यों लगाया? बोलती क्यों नहीं हो? मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। सच सच बता दो, वरना तुम्हें मैंने घर से बाहर निकाल देना है। माफी मांगो उनसे। अब मिसनी बन के क्या खड़ी हो, माफी मांगो उनसे। हाँ अभी मैंने झूठ बोला था इसीलिए कि मुझे आपकी शादी अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही इसके साथ। तो पहले बता देना था, ऐसे ड्रामे कर रही हो, बेइज्जती कर दी आपके जीजू ने उसके। अच्छा छोड़ो, मैंने इसको माफ किया, ठीक है। वैसे भी मेरा यहाँ पे आज पहला दिन है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी माहौल डिस्टर्ब हो मेरी वजह से। देख लिया ना तुम्हारे कैसे करतूत हैं, जाओ अब। अच्छा अब जाओ, बैठ जी। सॉरी वो छोटी है और उसको पता नहीं है इन बातों का। कोई बात नहीं। अच्छा आज हमने बाहर जाने से कॉफी के लिए। हाँ जी तो चलते हैं, आप परेशान तो नहीं हो ना? नहीं अभी चलते हैं, क्योंकि काफी देर। अच्छा